हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। मेरे इस नए चैनल लर्न बाय वॉच करियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। आजकल सॉफ्ट स्किल्स के मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है। इवन सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए सॉफ्ट स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर हमें जॉब्स इजीली आज हम हासिल करनी है तो हमें सॉफ्ट स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं जिनमें सारे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे से जिन्हें आते हों और वो उनका जो काम है वो और अच्छे से कर सके उनकी कंपनीज के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्कप्लेस, उसके बाद हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन द वर्कप्लेस। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। जो कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है उसने सॉफ्ट स्किल्स को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि डिजायरेबल क्वालिटीज फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज। They include common sense, the ability to deal with people and a positive, flexible attitude. तो कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट स्किल्स ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी भी जॉब को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो आपके हार्ड स्किल्स पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे सॉफ्ट स्किल्स डिपेंड नहीं करती है। उस पर आपको ये जो स्किल्स है ये अलग से सीखनी पड़ती है, जैसा कि अच्छा कॉमन सेंस होना, लोगों से कैसे डील करना है, अपने एटीट्यूड को हम पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से मैंने 20 स्किल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं आपको सिखाने के लिए, जो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे वन बाय वन। पहली सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है, क्योंकि आप लोगों से कैसे डील करते हो या कैसे बातें करते हो, कितने अच्छे तरीके से आपका कम्युनिकेशन है, कितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स यानी कि आप किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हो पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे, कितना आप उनसे रिलेट करते हो, कितना आप दूसरों का सुनते हो या आप उन्हें अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाते हो, उसको बोलते हैं पीपल स्किल्स। मतलब अल्टीमेटली आपको पीपल के साथ डील करना है अच्छे तरीके से। थर्ड है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि आप किसी वन टू वन पर्सन के साथ या ग्रुप में आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से आप टीम में काम करते हो या आप कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हो अपने ऑफिस में या अपने पर्सनल लाइफ में, जो स्किल्स इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होती हैं उसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। फोर्थ इज लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स ये एक एबिलिटी है कि आप किस तरीके से एक टीम को लीड कर सकते हो। जैसे ऑफिस में आपको कोई टास्क मिला और आपको उसका टीम लीड बनाया गया, तो आपको 3-4 लोगों को या 8-10 लोगों का जो ग्रुप है उसको आप लीड करना है, उन्हें डायरेक्ट करना है कि काम हमें कैसे करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको उन्हें गाइड करना है, सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है अपनी टीम को ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें। तो इसके लिए आपको लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए। फिफ्थ है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स एक एबिलिटी है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हो और सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हो अपने पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने या टीम के सामने, उसे प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं। सिक्स्थ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी आप अपना जो बिहेवियर है, अपना आपका जो सोचने का तरीका है या आपका जो एटीट्यूड है दूसरों के प्रति, वो आप किस तरीके से सुधार सकते हो जिससे आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिले, उसे बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेवेंथ इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी है कि आप अपना टाइम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, प्रोडक्टिवली उसे आप अपने यूज में ला सकते हो। स्पेशली जब आप काम पे होते हो तो आपको कैसे उन 8-10 घंटों में अपने काम को सेग्रीगेट करना है और टाइम पे कंप्लीट करना है, उसको कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट। एट्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट।
देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक टेक्निक है, ऑल्सो इसे साइकोथेरेपी भी बोला जाता है, जिससे आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हो ताकि आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से काम करे। काफ़ी सारे स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ होती है, लाइक आप अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग और व्हाटएवर, आप जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए। आप थेरेपीज़ भी ले सकते हैं। 9th इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी कि आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को, जो ऑफिस में मतभेद हो जाते हैं या ऑफिस में कुछ लड़ाइयाँ क्रिएट हो जाती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसे कैसे आप पहचानते हो और किस तरीके से आप उसे हैंडल करते हो अच्छे से, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम आए, उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। 10th इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट ये एक एबिलिटी है कि आप अपना खुद का रवैया या खुद का बिहेवियर और जो आपका तरीका है आप उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ताकि उसमें आता है कि आप अपने गोल्स कैसे आपने सेट किए हुए हैं, आपने अपना मोटिवेशन किस तरीके से बढ़ा रखा है या आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स है वो आपने किस तरीके से डेवलप किए हुए हैं, ये सब आता है सेल्फ मैनेजमेंट के अंडर में। 11th है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी एक क्वालिटी है कि आप किसी भी तरीके के एनवायरमेंट में या कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। 12th is flexibility. Flexibility is the quality to change and compromise as per requirements. क्योंकि आपके जो भी ऑफिस में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ सकता है, तो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट में या अलग अलग एनवायरमेंट में आपको काम करना है तो ये क्वालिटी है कि आप उतने फ्लेक्सिबल इनफ हो। 13th is creativity. देखो, creativity आजकल का जो समय चल रहा है उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज चाहती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हो वो नए आइडियाज़ के साथ उनके पास आए और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो, इसीलिए क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ की बहुत डिमांड है। 14th is teamwork skills. Teamwork skills यानी कि जो स्किल्स आपको ज़रूरत पड़ती है, आप टीम में किस तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं, जो स्किल्स हैं कि जैसे कि कोऑर्डिनेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ, उन सबके साथ सपोर्ट, गाइड, इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट, जो स्किल्स हैं वो आप किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो होती है टीम वर्क स्किल्स। 15th is प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखिए, आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, तो आप उन्हें किस कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसे कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्योंकि देखिए, हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है वो होती है 16th डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लाइक इसमें आपको बेस्ट डिसीजन लेना है, जो भी आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उन सब सॉल्यूशंस को एनालाइज करते हुए बेस्ट डिसीजन लेना है, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स। 17th इज इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स हर स्टूडेंट को या हर वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, कंपनी स्विच करना चाहते हैं या जो फ्रेशर्स हैं जॉब ढूंढना चाहते हैं, उन्हें सीखनी चाहिए। क्योंकि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से बिहेव करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, क्या आपको इंटरव्यू में करना है क्या नहीं करना है, वो सब जो स्किल्स है वो आपको पता होने चाहिए और आपको उसे यूज़ करना चाहिए अपने इंटरव्यू के दौरान, ताकि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक हो जाए। 18th इज ग्रुप डिस्कशन स्किल्स। ग्रुप डिस्कशन स्किल्स यानी कि जो अब हमारे कंपनीज में या हम जो भी किसी एडमिशन के लिए जाते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक GD राउंड होता है जिसमें 5-6 लोगों को बिठा के एक टॉपिक दे दिया जाता है, तो आप कितने अच्छे से उस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, आप कितने अच्छे से अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ और जो आपके कॉमेंट्स हैं दूसरों के पॉइंट्स पे, कितने अच्छे तरीके से वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन स्किल्स। 19th इज नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन एक डिस्कशन होता है जो दो से ज़्यादा या दो लोगों में होता है, ताकि कुछ एक नतीजे पे आए वो कुछ इशू को लेके, या जो उनके आपस के मतभेद है वो किस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ करके या अग्रीमेंट करके आप सॉल्व करें जो भी डिस्प्यूट है या आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स, ये आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। 20th इज नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग यानी कि आप कैसे सोशल कनेक्शंस बनाते हो अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। ये एक बॉन्ड होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच हो सकता है, अट्रैक्शन के थ्रू या फ्रेंडशिप के थ्रू या रेगुलर इंट्रैक्शन के थ्रू। अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप एक भरोसा क्रिएट करते हो अपने कलीग्स के बीच में या अपने बॉस के साथ, और एक पॉजिटिव वाइब्स होती है आपके अंदर अगर आप गुड नेटवर्किंग स्किल्स आपके अंदर है तो। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो मेरा पहला पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
देखिए, सॉफ्ट स्किल का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि वो हमें प्रोफेशनली डेवलप होने में हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है. आप अगर आपकी जो कंपनी आपको एजुकेशन फैसिलिटी दे रही है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इस तरीके से हम प्रोफेशनली डेवलप होते हैं. ये हमें हेल्प करता है हमारा जो मोरल है बूस्ट करने में, और हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं. तो सॉफ्ट स्किल्स का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट है टू मेंटेन गुड रिलेशंस. देखिए, ऑफिस में या पर्सनली गुड रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जो आपका ट्रस्ट है वो बढ़ता जाए लोगों के साथ, और लोग आपको लेकर पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोचे आपको लेके. थर्ड इज टू अचीव सक्सेस इन करियर. तो अल्टीमेटली हम जो सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं वो अपने करियर में सक्सेस अचीव करने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है किसी भी प्रेशर के साथ, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा वो पॉलिश्ड और डेवलप्ड रहेगा, या जितना ज़्यादा उसे स्किल्स आती होगी, उतने ज़्यादा उसके चांसेस हैं जल्दी से जल्दी अपने करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए. सो मेरे तरफ से सॉफ्ट स्किल्स में इतना ही था. होप कि आपको समझ आया होगा. आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न बाय वॉच करियर. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, learnbywatch.com. आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं learnbywatch.in पर. आप हमारा FB पेज विजिट कर सकते हैं fb.com/learnbywatch. आप हमारा ट्विटर पेज विजिट कर सकते हैं twitter.com/learnbywatch. थैंक यू.